Life stand. Ik vind je kan niet meer. Tja. Alles wordt al. आज का युग बहुत ज़बरदस्त और इस विशेष योग के दिन जिसे कि अंगारकी कहते हैं, अंगारकी चतुर्थी कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है। हर चतुर्थी को श्री गणेश का जन्मदिन मनाया जाता है, लेकिन जो मंगलवार को आती है, कभी कभी आती है, साल में एक आध बार, कभी दो बार, कभी तीन बार, जिस मंगलवार को कर चतुर्थी आ जाए तो वो दिन बहुत बड़ा मनाया जाता है। और आज वही योग है कि हम लोग मंगलवार के रोज़ गणपतिपुळे में बैठे हुए हैं, जबकि यहाँ ये बड़ा भारी योग अंगारकी का माना जाता है और यहाँ पर हज़ारों लोग आते हैं श्री गणेश की पूजा करने के लिए। और इस कदर वहाँ पर गाड़ी जाम हो गई थी, 60-60 गाड़ियाँ सामने की, हम तो पूरा घूम के फिर आए, क्योंकि कितने भी जल्दी चलने से फ़ायदा नहीं हुआ, जो होना होता है इसी प्रकार होता है। और जब तक सहज में हम इस बात को नहीं समझ पाएंगे कि जो भी होता है उसको सबूरी से देखना चाहिए, उसमें सबूरी होनी चाहिए, कि अगर आप उसी वक्त जल्दबाजी करें या कुछ घबराहट आ जाए तो कार्य नहीं हो सकता, सबूरी करें। और सबूरी करने से बराबर सूझ जाता है कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। सो जल्दबाजी जो है ये असहज चीज़ है, सहज में आप में सबूरी होनी चाहिए, जिसके बारे में साईनाथ ने बहुत कहा है कि सबूरी में रहो, साई मिलत सबूरी में। और सबूरी शब्द जो है कुछ अपभ्रंश है मेरे ख्याल से, लेकिन इसका अर्थ होता है कि कोई भी बात हो रही है तो उसमें तितिक्षा माने ठहर जाना, देखना। और इस तितिक्षा में जब आप आ जाते हैं तो ये परम चैतन्य कार्य कर देता है और आपको बिल्कुल सही बात पता चल जाती है, कैसे चलना चाहिए, क्या करना चाहिए, कौन से रास्ते का अवलंबन करना चाहिए। पर आप अगर जल्दबाजी में आ जाएंगे तो आप विचारों के चक्कर में फंस जाएंगे और इधर से उधर दौड़ते हुए आपको चीज़ नहीं मिलेगी। और आज और ऐसा भी एक बड़ा भारी योग है कि आज जीसस क्राइस्ट का भी जन्मदिन है। हमने बहुत बार बताया है कि जीसस क्राइस्ट जो है वो श्री गणेश का ही अवतरण है और इसके आपके पास में प्रमाण भी है सहयोग। सो आज उनका जन्मदिन होना, आज इनका भी जन्मदिन होना, मंगलवार का दिन होना और इतना बड़ा समारंभ होना और सब दूर आतिशबाजी होना, ये बहुत बड़ी योग की बात है जो हम इस महागणपति के स्थान पे आ करके उस महाविष्णु की पूजा कर रहे हैं। अब समझने की बात यह है कि श्री गणेश की जो विशेषताएं हैं उनकी कौन सी विशेषता है आज के दिन जो प्रकटित होती है। ऐसे इससे पहले मैंने बताया था कि विनय या जिसको कहते हैं हम ह्यूमिलिटी, नम्रता,
वो इनका विशेष गुण है। और दूसरा है उनका विजडम, इसके लिए मुझे शब्द नहीं मिल रहे थे मराठी में। इसको उन्होंने बताया कि विजडम का मतलब है सुबुद्धि। चलिए ठीक है, सुबुद्धि। बहरहाल ये सब चीज़ों का दान गणेश तत्व से होता है, लेकिन उनमें एक और विशेष है कि वो बहुत ठंडे दिमाग आदमी है, बहुत ठंडे दिमाग आदमी है। उनकी चाल बहुत ठंडी है, जैसे कि हाथी है। हाथी में आप देखते हैं कि बहुत धीमी चाल है, पर उसकी चाल ऐसी सुंदर होती है कि किसी भी स्त्री जो अच्छे से चलती है उसको कहते हैं गजगामिनी, माने वो हाथी के जैसे चलती। धीरे धीरे पांव उठाना, कहाँ पांव रखना वो सोचना, कहीं कोई पैर के नीचे चींटी ना आ जाए, कोई जानवर नहीं आना, इसका ख्याल करते हुए वो चलते हैं। और सामने अपनी सूंड से फूंकते चलते हैं कि सामने कोई और ऐसी चीज़ हमारे सामने नहीं आ जाए कि जिससे हमारे हाथ से वो नष्ट हो जाए। दूसरे वो सिर्फ घास खाते हैं, और घास खा कर के भी इतने बलिष्ठ होते हैं कि जो बड़े बड़े काम होते हैं जिसमें कि बहुत वज़न उठाना पड़ता है, वहाँ पर सिर्फ हाथी का ही उपयोग होता है। तो इस हाथी की जो विशेषता है वो ये भी है कि ये बहुत धीमी तबीयत का आदमी है, किसी मामले में जल्दबाजी नहीं करता। और दूसरी इनकी जो और विशेषता है वो ये है कि ये इनकी जो स्मरण शक्ति है, मेमोरी है, बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग स्मरण शक्ति। किसी अगर बच्चे को बचपन में भी देख लेगा तो कितना भी बड़ा हो जाएगा उसको पहचानेगा। उसी तरह से ये लेफ्ट साइड में श्री गणेश का कार्य होने के कारण आप भी जानते हैं कि जब आपकी लेफ्ट साइड कमज़ोर हो जाती है तो आपकी मेमोरी ख़त्म हो जाती है, और इसलिए हम लोग हमेशा लेफ्ट साइड को उठाते हैं जब मेमोरी ख़त्म हो जाती है। वजह यह है कि आपके अंदर का गणेश तत्व कम हो गया। जब आप राइट साइडेड हो जाते हैं तो आपका लेफ्ट साइड का जो गणेश तत्व कम होते जाता है। जो आदमी बहुत ज़्यादा काम करते हैं, मेहनत करते हैं, करते हैं, उनकी मेमोरी जो है आप देखिए बुढ़ापे में इतनी ख़राब हो जाती है कि वो खुद को भी पहचान पाते हैं या नहीं, ऐसा प्रश्न पड़ जाता है। इसलिए श्री गणेश का जो एक विशेष गुण है कि उनकी सुबुद्धि तो है ही, पर उस सुबुद्धि के साथ उनकी जो स्मरण शक्ति है वो बहुत तीक्ष्ण है। वो हर एक चीज़ को याद करते हैं, और करना ही पड़ता है क्योंकि कुंडलिनी पर जो कुछ भी निवेदन होता है, जो कुछ भी इम्प्रिंट होता है, जो लिखा जाता है, वो सब कुछ श्री गणेश ही करते हैं। उनके हाथ में एक कलम होती है, उस कलम से वो लिखते हैं। वो कलम भी उन्हीं का एक टूटा हुआ दांत, उससे वो लिख देते हैं कि आप क्या हैं, आपने क्या तकलीफ़ें उठाई, आप क्या परेशानी उठाई, आपकी खोज में आप कहाँ कहाँ गए, क्या क्या गलतियाँ की, वो सब उसके अंदर वो लिख देते हैं। तो जब वो कुंडलिनी उठने लग जाती है तो जैसे टेप रिकॉर्डर में कोई ख़राबी हो जाए तो कैसे खड़खड़ाने लगता है, ऐसे ही कुंडलिनी की खड़खड़ाहट आप देखते हैं जब आपके चक्रों पर वो गुजरती है। और इसीलिए आपको पता हो जाता है कि इनके ये चक्र खराब है, उनके चक्र खराब है। इस कदर ये बिल्कुल शास्त्रीय साइंटिफिक चीज़ है। तो गणेश तत्व के एक ही गुण नहीं है कि अबोधिता रहे और मनुष्य बहुत निष्पाप रहे, इसी से नहीं होता, पर उसका अनेक गुण है। उसमें से एक गुण ये भी है कि आपके अंदर विजडम होना चाहिए, सुबुद्धि होनी चाहिए, ये जानना चाहिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है। अब जो आज की अंगारी का जो है, अंगार की जो आज की विशेष चतुर्थी मानी जाती है, ये क्या चीज़ है? इसमें ऐसा है कि श्री गणेश स्वयं जो है वो अंगार को ठंडा करते हैं। कुंडलिनी भी देखिए तो एक ज्वाला ही है, जैसे कि कुंडलिनी जो है उसकी प्रक्रिया ज्वाला की भांति है, क्योंकि ऐसे तो सब चीज़ पृथ्वी के तरफ जाती है। आप जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण से, ग्रेविटी से सारी चीज़ें पृथ्वी की तरफ जाती है, और सिर्फ ये जो ज्वाला है यही ऊपर जाती है, कोई सी भी आग ऊपर की तरफ जाती है और बाकी सब चीज़ें पृथ्वी की तरफ दौड़ती है। ऊर्ध्व गति सिर्फ एक इस चीज़ को मिलती है कि जो अग्नि है, और इसलिए ये जो है ये आपकी अग्नि को शांत कर सकते हैं।
ये दो तरह से अग्नि को शांत करते हैं। एक तो ये कुंडलिनी को शांत कर देते हैं, कुंडलिनी को ये बता देते हैं कि इस आदमी में ये दोष है, ये तकलीफें हैं, कोई हर्ष नहीं, तो भी आप इनको पार कराइए। क्योंकि कुंडलिनी का बालक श्री गणेश और जो आप में बालक है वो श्री गणेश है, तो वो उसी आत्मीयता से उस कुंडलिनी को समझा देता है कि तुम तो माँ हो और मैं चाह रहा हूँ कि मैं इनमें जागृत हो जाऊँ, तो तुम मेरी मदद करो। और वो इस तरह से शांत हो जाती हैं ये सोच करके कि मेरा बालक ही ये चीज़ को मांग रहा है, तो वो अपनी जो भी उनके अंदर गर्मी हो कुछ हो उसमें एक तरह से शांति आ जाती है। जैसे कि आपने सुना होगा कि एक बार देवी बहुत नाराज़ हो गई और देखा कि संसार में बहुत कुछ लोग बहुत गलत काम कर रहे हैं और उसे इतनी तकलीफ हुई, इतना संताप हुआ कि ये सारी सृष्टि जो मैंने बनाई इसको ही मैं नष्ट कर देती हूँ। तो उन्होंने ये सोच करके और सब दूर संहार की स्थिति बना ली और बहुत नाराज़ हो गई। और जब उनका नृत्य शुरू हो गया तब श्री महादेव ने ये सोचा कि देवी तो इतनी नाराज़ है, क्रुद्ध हो गई, अब सब संसार नष्ट ही हो जाएगा, तो इसका इलाज क्या है। तो उन्होंने उन्हीं का बच्चा जो कि कार्तिकेय था उसको देवी के पैर के नीचे डाल दिया। उस पे पैर रखते ही उनकी इतनी बड़ी जीभ निकल आई, ये मैं क्या करूँ, जो इतनी क्रोध से लाल थी वो भी उस बच्चे को देख करके एकदम शांत हो गई। इसी प्रकार ये हमारी कुंडलिनी को एक प्रकार से शांत कर देते हैं कि तुम अपने बालक को जन्म दे रही हो, इस वक्त नाराज़ी ठीक नहीं किसी भी तरह से। कभी कभी तो कुंडलिनी को हमने इतना सताया होता है क्योंकि गलत गुरुओं के पास गए या कुछ गलत हम लोगों ने भी काम किए, तो बेचारी कुंडलिनी लस्तम पस्तम बिल्कुल रहती है। उसका भी आधार सिर्फ श्री गणेश है जो उसको ढकेलते हैं ऊपर की तरफ। श्री गणेश की शक्ति से ही कुंडलिनी ऊपर उठ सकती है, इसीलिए उनको अंगार कहते हैं, क्योंकि वो अपनी शक्ति कुंडलिनी को दे देते हैं। और कुंडलिनी में जो आग है या जो उसकी ज्वालाएं उठती हैं वो शांत है। आपने कभी सुना नहीं होगा कि इस तरह की शांत भी ज्वालाएं होती हैं, एकदम शांत ज्वालाएं हैं, सप्तरंग की होती हैं और एकदम शांत ज्वालाएं हैं और सहस्त्रार में आपको दिखाई देती है ये कितनी शांत है। ये सारा कार्य श्री गणेश ने किया हुआ, तो एक प्रकार वो आपका भी गुस्सा कम कर सकते हैं। आपकी भी नाराज़गी दूर कर सकते हैं। और जब हम नाराज़ हो जाते हैं तो उसमें हम बहक जाते हैं और हमें याद ही नहीं रहता कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उसमें हम किसी को मार सकते हैं, पीट सकते हैं, किसी को खून कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उस वक़्त जो कंट्रोल होता है वो सिर्फ श्री गणेश से होता है और श्री गणेश जो है आपके गुस्से को ठंडा कर देते हैं। अब देखिए कि ईसा मसीह भी उसी तरह के हैं कि उन्होंने ये बताया कि सबको क्षमा कर दो, जिसने तुम्हें तकलीफ दी उसके प्रति तुम गुस्सा करते हो, पर अगर तुम सबको क्षमा करना एक बार सीख लो कि सबको क्षमा कर दी, जिन्होंने उनको इतना अपमान करके, इतना सता करके और सूली पे चढ़ाया, उनके लिए भी उन्होंने परमात्मा से अपने पिता से कहा कि हे पिता इनको क्षमा कर दो, क्योंकि ये जानते नहीं हैं कि ये क्या करें। ऐसे जब ईसा मसीह ने कहा तो आप सोचिए जिस साल लोगों ने उनको क्रूस पे चढ़ाया, इतना परेशान कर दिया, उनके लिए भी उन्होंने इतनी क्षमा की वृत्ति ली। सो ये उनका एक चरित्र है, एक स्वभाव है। और दूसरा भी ईसा मसीह का चरित्र ऐसा है कि जब लोग उनके मंदिर के सामने बैठ करके और चीज़ें बेच रहे थे, जैसे अपने यहाँ भी है मंदिरों में लोग जाते हैं तो वहाँ चीज़ें बेचते हैं और वही चीज़ चढ़ाते हैं, जैसे एक नारियल को चढ़ाया फिर ला कर उसको बेचते हैं, माने उसका बिजनेस बना लेते हैं। तब उन्होंने हाथ में एक हंटर लेके सबको मारा और कहा कि तुम ये बिजनेस नहीं कर सकते, तुम्हें अगर करना है तो ठीक है, जो कुछ भी है वो स्वच्छ तरीके से होना चाहिए, ये नहीं कि जो आप भगवान को चढ़ा रहे हैं उसको लाकर फिर बेच रहे हैं, जो हार भगवान को चढ़ा रहे हैं उनको लाकर फिर बेच रहे हैं, इस तरह की चीज़ उन्होंने कहा बिल्कुल ही गलत बात है। और इतना उन्हें क्रोध आया कि उन्होंने हाथ में हंटर लिया और उसको सबको तड़ातड़ मारना शुरू कर दिया। ये दूसरी साइड है।
ऐसे श्री गणेश की भी एक दूसरी साइड है। दूसरी साइड गणेश की ये है कि जिस वक्त कोई भी राक्षस या दुष्ट आपको परेशान करेगा या तंग करेगा, तो वो गणपति है, माने गणों के वो राजा है, तो वो उन राक्षसों को और दुष्टों को नष्ट करते हैं, उनको एकदम उनका सर्वनाश कर देते हैं। आपको कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, वो खुद ही आपके साथ लगे हुए हैं गण लोग, और वो ऐसे लोगों को ठीक ही कर देते हैं जो आप लोगों को तंग करें। सहयोग में आप लोग जान लीजिए कि आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं और आपको कोई भी नहीं दुख दे सकता। हाँ, अगर आप सहयोग में हैं तो आपके गण जो हैं वो चारों तरफ घूम रहे हैं और वो यहाँ भी पधारे हैं और वो हर समय आपके ऊपर अपनी सुरक्षा का, उन्होंने पूरी तरह से आपके ऊपर अपना आच्छादन डाल दिया, पूरी तरह से आपको ढक लिया। आपको कोई भी तरह की तकलीफ परेशानी नहीं हो सकती। फिर आप उसको चमत्कार कहते हैं, माँ किस तरह से मैं बच गया, पता नहीं क्या हुआ, मैं कैसे बच गया। ये सब गणों का काम है और गण ये कार्य जब करते हैं तब समझ लेना कि आप वाकई में एक सहयोगी हैं। अगर वो ये कार्य आपके लिए नहीं करते हैं तब तो समझना है कि आप अभी तक पूरी तरह से सहयोगी नहीं हो। दूसरी बात गणों की ऐसी होती है कि हमेशा हमारे शरीर में भी वो कार्यान्वित रहते हैं। शरीर से बाह्य की चीज़ें जो करते हैं वो सिर्फ आप जब पार हो जाते हैं, जब आपका संबंध परमात्मा से हो जाता है, तब वो आपका शरीर और आपका सब धन और आपकी सब चीज़ें, बच्चे, सबको संभालते हैं। पर उससे पहले हमारे अंदर वो एंटीबॉडीज़ बन करके जीते हैं और ये जो एंटीबॉडीज़ होती हैं यही हमें रोगों से बचाती है और उससे हम लड़ झगड़ सकते हैं। तो इसका चक्र जो है सेंटर हार्ट, यहाँ पर स्टर्नम करके जो हड्डी है उसके अंदर शुरू में होता है। 12 साल तक ये एंटीबॉडीज़ तैयार होती हैं और फिर सारे शरीर में दौड़ करके तैयार रहते हैं। जब भी कोई परेशानी होगी तो स्टर्नम हिलने लग जाएगा और उसके हिलते ही जैसे रिमोट कंट्रोल होता है, इस तरह से इनको पता हो जाता है और ये फिर उस आने वाले कोई भी जो आदमी आपके ऊपर आक्रमण कर रहा है या कोई सी भी चीज़ आक्रमण कर रही है, कोई वायरस आ रहा है या किसी भी तरह का कोई रोग आपके अंदर घुस रहा हो, उससे ये लड़ते हैं। पर जब आप माँ के विरोध में कार्य करते हैं, माँ के विरोध में काम करने का मतलब है नैतिकता से गिर जाना, पिता के विरोध में जाने का मतलब है कि आप कार्यशील न हो, कार्यक्षम न हो, आप कार्यकर्ता न हो, आप आलस्य आ जाए, ये तो पिता के खिलाफ पाप है। लेकिन माँ के खिलाफ पाप है जहाँ आप अपनी नैतिकता को खो देते हैं। जिन्होंने अपनी नैतिकता को खो दिया है ऐसे लोगों का ये चक्र बहुत कमज़ोर हो जाता है और इसीलिए फिर ये चक्र जो है इसको ठीक करने में बड़ी मुश्किल हो जाती है और जो लोग इस तरह से गिर जाते हैं और उनका ठीक होना भी मुश्किल हो जाता है। जैसे एड्स की बीमारी है या इसी तरह की जो बीमारियां हैं जिसे कि हम गुप्त रोग कहते हैं, ये सारे गुप्त रोग अनैतिकता से आते हैं और ये अनैतिकता के रोग जो हैं किसी तरह से भी ठीक नहीं हो सकते जब तक आपके गणेश तत्व ठीक नहीं हो जाएगा। इसलिए समझ लेना चाहिए कि हमें अपने अनैतिकता से अपने सारे व्यक्तित्व को, अपने सारे जीवन को पूरी तरह से आडोलित रखना चाहिए, पूरी समय उसमें पवित्रता में डूबे रहना चाहिए। ये जो पवित्रता है उसके बारे में ईसा मसीह ने बहुत बढ़कर बात कही है क्योंकि आज्ञा चक्र पे उनका स्थान है, इसलिए उन्होंने आज्ञा चक्र पे बहुत बड़ी बात कही और वो ये कहा कि तुम्हारे आँखों में भी कोई भी अपवित्रता नहीं होनी चाहिए। Thou shalt not have adulterous eyes। आँखें भी ऐसी हों वो भी निर्मल होनी चाहिए, क्योंकि आँखें निर्मल कर नहीं है तो ईसा मसीह वहाँ नहीं है। लेकिन देखिए परदेश में हम देखते हैं कि हर एक ईसा को मानने वाले लोग सबकी आँखें बहुत ख़राब है, इस औरत की तरफ देख, उस औरत की तरफ देख, उस तरफ देख, फिर औरतें भी ऐसी आदमियों की तरफ देख, उनकी आँख ऐसी चलती रहती, कभी आँख स्टेडी नहीं रहती।
और फिर एक बार ये चल जाए तो ये नेगेटिविटी होती है, भूत है, आँखों से चलते हैं और एक पे जाएंगे फिर दूसरे पे जाएंगे। उसका कोई खेल ऐसा है कि उस खेल में कोई मज़ा तो नहीं आता, पर वो खेल ही अपने आप ही चलते रहता है और आदमी इसी में पागल हो जाता है। तो ईसा मसीह ने भी पवित्रता की अति सूक्ष्म बात कह दी कि तेरी आँख भी अपवित्र नहीं होनी चाहिए, किसी की और तेरी आँख से भी तुम अपवित्रता के भावना से न देखो। ये बात उन्होंने कही, जैसे कि ये पवित्रता का ही पूरा स्रोत है, इसलिए उन्होंने पवित्रता की बात कही। ईसा मसीह ने ज़्यादातर पवित्रता की ही बात की, जहाँ जहाँ बात की है वो ज़्यादातर कि आप अपने को कैसे पवित्र रख सकते हैं और कैसे आप नैतिकता के बल पर खड़े हो सकते हैं। सो सहयोग में सहज में सब होता है जब आप गणेश जी को पूरी तरह से वरण करते हैं और गणेश जी को मानते हैं कि ये शक्ति हमारे अंदर आ जाए। ऐसे तो हर एक चक्र पे गणेश का स्थान है, और मैं हमेशा कहती हूँ कि हर एक चक्र पे एक वाइस चांसलर बैठे हुए हैं, चांसलर साहब बैठे हैं। जब तक ये सर्टिफिकेट नहीं देंगे तब तक कुंडलिनी चढ़ेगी नहीं, और हर चक्र पे ये काम करते। तो आज के इस योग की मैंने बात बताई कि उनका जो दूसरा स्वभाव है कि जो अंगार है उस अंगार को वो अंगार से भी ठंडा कर सकते, वो पूरी तरह से कर सकते। जैसे कि आपने देखा है जिस वक्त में रावण ने श्री राम के विरोध में बात की तो लंका में आग लग गई, तो आपके जो हनुमान जी हैं वो भी मंगलवार ही की उनकी पैदाइश है और वो उनके पास नवधा शक्तियां हैं, उसके साथ ये दोनों ही मिलकर के ऐसे काम करते हैं। पर विशेषकर मनुष्य के अंदर का क्रोध हो तो उस क्रोध को कैसे शांत करना चाहिए ये श्री गणेश जानते हैं, और वो फिर इस तरह से उस पर युक्तियाँ करते हैं, उस पर ऐसे ट्रिक्स करते हैं कि वो आदमी एकदम हताश होकर के और फिर मान जाता है कि मैंने जो किया वो गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जो गर्म तबीयत के लोग होते हैं उनको भी ये ठीक कर सकते हैं, और इसीलिए इस दिन जब मंगलवार किसी पे अगर मंगली हो तो उसको कहते हैं कि तुम कोरल का जो पत्थर होता है जिसे मूंगा कहते हैं वो पहनिए, वो भी गर्म होता है। मूंगे का पत्थर पहने गर्मी से गर्मी मारी जाती है। वैसे भी आप देखिए कि जितने भी गर्म देश है वहाँ लोग मिर्चा बहुत ज़्यादा खाते हैं। कहीं भी जाइए आप, अगर आप इंडिया में जाइए तो है ही, साउथ इंडिया का खाना इतना मिर्चे वाला होता है कि आप खा ही नहीं सकते। और अगर आप और जगह जाइए, चाइना में भी जो साउथ का चाइना है जैसे कैंटोन वगैरह, वहाँ बिल्कुल बहुत मिर्चे खाना होता है। इसी प्रकार आप इटली में भी जो साउथ है या फ्रांस में साउथ है वहाँ लोग बहुत मिर्चा खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि मिर्चे से मिर्च मिटती है, गर्मी से गर्मी चली जाती है, इसलिए वो मिर्चा खाते हैं जिससे खूब पसीना आए और उनको ठंडक बनी रहे। इसी प्रकार श्री गणेश भी अपनी गर्मी से आपकी गर्मी ठीक करते हैं। आपके अंदर अगर कोई अहंकार हो जाए तो इस तरह से वो आपको दिखा देते हैं अपना प्रताप कि उससे फिर आप खुद ही ठंडे हो जाते हैं। और ये जितनी भी बीमारियां हैं इसमें भी बहुत गर्मी निकलती है, बहुत जनरेट होती है, और इस गर्मी के कारण ही आदमी अस्वस्थ हो जाता है। इसलिए ठीक है कि हम इस गर्मी का ही इलाज करें और उसके लिए श्री गणेश की आराधना करें और उनके प्रति अपने को विशेष रूप से समर्पित करें। आज का दिन बहुत ही बड़ा मैं सोचती हूँ, जो ये तीन चीज़ों का योग यहाँ हो गया कि आज ही ईसा मसीह का जन्म है, आज ही मंगलवार है, आज ही श्री गणेश का भी जन्मदिन है, और आप लोग सब गणपतिपुरे में आए। ये सब कुछ इस कदर बन गया आज कि मुझे इससे बड़ा सहज में ही जो एक चमत्कार होता है ऐसे लग रहा है कि बड़ा भारी चमत्कार है कि इस वक्त सब लोग आए। पर उसमें तकलीफ भी हो गई कि सब यहाँ पर इतने लोग भीड़ कर गए थे कि हम तो जाम में फंस गए और देर हो गई। पर देर या कोई सी भी चीज़ होती उसमें सबूरी की बात है। हम तो हमेशा सोचते हैं कि जो समय हमारे नियत है वही समय पूजा होगी, उससे पहले हो ही नहीं सकती। तो इसलिए जो चीज़ नियति का है उसको क्यों बदला जाए,
उसके तरफ लड़ाई झगड़ा करने से फ़ायदा क्या, जो है सो है, जिस वक्त में जो होगा तब हो जाएगा, तब पूजा हो जाएगी, उसमें अब इस वक्त पूजा नहीं हो रही, ये टाइम था, कोई हम कोई घड़ी के गुलाम तो है नहीं। लेकिन इसके फ़ायदे कितने होते हैं ये आप आगे जाकर देखेंगे कि अगर आप टाइम का गुलामी नहीं करें तो बहुत कुछ सहयोग फैल सकता है। पर जो आदमी टाइम की गुलामी करता है वो कभी सहयोग नहीं फैला सकता, क्योंकि उसको हमेशा रहता है ये टाइम में ये कर रहा है, ये टाइम में ये कर रहा है, और सहयोग के लिए उसको टाइम ही नहीं मिलता। पर जो कहेगा कि मुझे सहयोगी करना है तो पूरा टाइम उसके लिए पड़ा हुआ है और पूरी चीज़ बढ़िया तरीके से हो जाती है। पर इस पर सिर्फ बात यह है कि एक तो अनुभव होना चाहिए और अनुभव होने के बाद उस पर विश्वास होना चाहिए। ऐसी ऐसी चीज़ें घटित हो जाती हैं। बहुत लोग सुबह से शाम तक मुझे अपने चमत्कार बता रहे थे कि माँ मैं तो परेशान था कि जा रहा हूँ, कब मुलाकात होगी, वो आएंगे, देखता क्योंकि सामने ही चले आ रहे। किसी भी चीज़ की आपके मन में इच्छा हो जाए वो चीज़ पूरी हो सकती है, पर विश्वास की बात है। और विश्वास में अंधविश्वास सहयोग में नहीं, बिल्कुल अंधविश्वास नहीं, श्रद्धा है, जहाँ पर कि हम पूरे दिमाग से सब देखे हैं, जब हमने सब देख लिया और तब भी हम नहीं मानेंगे तो इसे क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा कि आप बहुत ही ज़्यादा बेईमान हैं, या आप झूठ बोलते हैं, और या आप महामूर्ख हैं। इनमें से तीन चीज़ें हो सकती हैं कि आप जब सब चीज़ों को देख रहे हैं, उसको जान रहे हैं, वो सब वर्तित हो रहा है, उस पर भी आप उस पर विश्वास नहीं करते, तो फिर आप में कुछ ना कुछ खराबी। ये सब देखते हुए आप सोच सकते हैं कि श्री गणेश कितनी बड़ी चीज़ है, और वो इस महाराष्ट्र में 8 अष्ट विनायक हैं जिनकी वजह से इस महाराष्ट्र को बहुत ज़्यादा पुण्य मिला हुआ। लेकिन तो भी लोग इतने पागल हैं वह इसी के पीछे दौड़ते रहेंगे, यही सब करते रहेंगे, कर्म कांडों में फंस जाएंगे, पर ये नहीं होगा कि सत्य को प्राप्त करें। आप लोग बहुत नसीब वाले हैं, बहुत समझदार हैं, जो आप लोगों ने सत्य को खोजा और आपने पा ली। लेकिन अब इसको बनाने के लिए आपको चाहिए कि आप गणेश के गुणों को अपने अंदर ले लीजिए। मैं देख रही थी हजारों लोग आए थे गणेश जी की पूजा के लिए, इनमें से कितने लोग गणेश जी को जो मानते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिनमें गणेश जी का कोई भी गुण हो ऐसा कुछ दिखाई देता। शराब पियेंगे, आपस में लड़ेंगे, झगड़ेंगे, औरतों को सताएंगे, मारेंगे, पीटेंगे, सब करेंगे, और श्री गणेश के अंगारिका में पहुंच गए। अरे आप जब इतनी बड़ी अंगार है तो आप काहे को आए हैं? इसका कोई विचार ही नहीं करता कि हम किसी चीज़ में विश्वास करते हैं तो उसके गुण हमारे अंदर कितने हैं। हाँ, हमें उन पर बड़ा विश्वास है, हम तो इनकी पूजा करते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं, अच्छा पर तुम्हारे अंदर उसके कौन से गुण हैं, ऐसे कोई सोचता है? लेकिन सच्चाई तो ये है कि अगर आप किसी को मानते हैं तो उनके गुण भी आपके अंदर आने चाहिए, और जब तक ये गुण आपके अंदर नहीं आते तब आपका मानना न मानना बराबर है, उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। आज हम श्री गणेश की पूजा करने वाले हैं, और श्री गणेश और गौरी की पूजा होगी, और इसमें यही जान लेना चाहिए कि गौरी एक कुंडलिनी ही है, महाकुंडलिनी महागौरी है, और इसका कार्य यह है कि अपने बच्चे को जो बहुत सालों से खोज रहा है उसको आत्म साक्षात्कार प्राप्त कराए, उसका पुनर्जन्म करें। ये इस महागौरी का कार्य है जो आप सबके अंदर उपस्थित है। इसलिए आज हम सिर्फ गणेश जी और गौरी जी की पूजा करेंगे, और बाद में देवी की पूजा होगी। सबको अनंत आशीर्वाद। In short, I told them what is so special about today, tonight is the time when this is Tuesday. On Tuesday, Shri Ganesha was born. So they celebrate every fourth day of the moon as the Shri Ganesha's birthday, because they were born on the fourth. But when this fourth falls on a Tuesday, then they think it's a tremendous yoga, because on Tuesday he was born, on Tuesday this fourth of the day of the month has come, so they just try to worship it as a something special day.
Now, I also told them what is the quality of Sri Ganesha, which we see in Christ, and as Christ is the incarnation of Sri Ganesha. Today, remarkable thing is that the third yoga is that today is the birthday of Christ. And the fourth thing, which is very important, is that you all should be here on such and such day on Ganpati. So it's very important day, and that's how we have to learn that if you worship Ganpati or if you worship Christ, we should try to think what qualities we have got within ourselves. Now, regarding Jesus Christ, you know him very well, that he always talked of morality, always talked of holiness, of auspiciousness. And all these things, you see, the holiness and the complete cleanliness within your being is to such an extent that he said that thou shalt not have adulterous eyes. So Sri Ganesha also was against the adultery. Any kind of adultery he was against, and that's why those people who indulge into adulterous life suffer very badly. It's rather difficult to cure them. All these diseases which are incurable of Ganesha's problems are really difficult, because here you have insulted Sri Ganesha, and that's why he gets angry with you. Now his style is of two types. One is by which he soothes you down, he soothes your kundalini, and the second one is where he really gets angry with you and tries to punish you. These two qualities here. So one has to be very careful when you are dealing with your morality. The morality should be a part and parcel of your being, that you should be proud that you are moral and that you should try to lead a very moral life without torturing anybody, without troubling anybody. In Sahaja Yoga, I hope it is all very clear cut that we have to lead a very, very moral life. Of course, all my lecture can be translated later, and I hope you will be able to enjoy it. But this is the best part of it, that today we have the birthday of Christ, the birthday of Sri Ganesha, and also on such a date, which is so well worshipped and regarded as something important in India. May God bless you all.